पहले इसके पेज खोलेगा, अभी ये खोले जाएंगे अंदर से, और फिर उसके बाद ये निकलेगा। और इसके भी सारे नट बोल्ट खोल दिए गए टंकी के। देखो इसका साइड का हिस्सा कैसे अलग निकल गया। Meanwhile, तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पल्सर जो 150 cc थी उसमें हायबूसा के टायर लगाए गए थे, और वो बनने के बाद एकदम तैयार होकर रेडी होकर बिल्कुल जा चुकी है जिनकी थी, वो ले गए अब उस बाइक को, और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है उस बाइक को चलाने में। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी मैं थोड़े दिन बाद थोड़े पैसे जमा करके इसको पूरी हायबूसा में ही कन्वर्ट करवा दूंगा, क्योंकि हायबूसा के टायर लग गया अब उस पल्सर में तो मज़ा तो आना ही है जल्दी से, है नहीं? तो मैं कल वहाँ पर जा नहीं पाया था, तो आज मेरे को जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। और कल ना जाने की वजह से उन्होंने जो है FZ को खोला नहीं, और क्योंकि वो उसको खोल लेते तो उस पर काम शुरू हो जाता, तो मेरे को जल्दी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और पहुँचते ही वहाँ पर उनको वीडियो बना के और वो बाइक खुलवानी पड़ेगी। FZ आई हुई है जल्दी से, और आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, क्योंकि देखोगे तभी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। एक एक करके मैं जो जो काम होता रहेगा उसमें वो दिखाता रहूँगा। तो जल्दी से निकलते हैं एक राइड पर। घर से निकल गया और अब सीधा दुकान पर मिलूंगा मैं, क्योंकि जल्दी से वहाँ पर पहुँचना। अभी फ़ोन आया था जस्ट मेरे पास, और मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं स्टार्ट करी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ रोड खाली मिला मेरे को, फ्लाईओवर सीधा ऊपर ही जा रहा है, तो जल्दी से शॉप पर मिलते हैं हम। और ये मेरी बाइक भी आज तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि पिछले जो दिन गए हैं थोड़े बारिश वाले दिन थे, तो इसमें मेरी बाइक रोज़ बारिश में नहाती थी, और अभी इसमें नीचे तो कीचड़ ही कीचड़ जमी पड़ी है, तो मेरे को बाइक भी धोनी पड़ेगी अब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली दोस्तों शॉप पर आ गया मैं। देख लेता हूँ यहाँ पर अब कौन कौन सी बाइकें आई हुई हैं। और जी क्या चल रहा है? कटाई चल रही है, कटाई। तो फिलहाल दोस्तों अभी शॉप में थोड़ा मुझे लग रहा है सीट का काम हो रहा है, सीटें बनाई जा रही है, ऑर्डर पर आई होंगी कई सारी। ये देखो तो सीटें ऐसे बनाई जाती है, देखो कितनी मेहनत लगती है, इसको सीधा करा जाएगा। हाँ भाई सीटें बन रही है, सीटें। ये क्या है? ये काय के पीस है? ये इसके साइडों में लगेंगे। अच्छा ये सीट के साइड में लगते हैं, ये देखो दोस्तों। तो अभी फिलहाल गर्म है, इस पर वेल्डिंग करके ऐसे छुपाया गया है, पत्तियाँ काट काट के। देखो ये जो पत्तियाँ होती है ना, ये काट के सीट ऐसे बनाई जाती है, और इसको वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। हाँ ये देखो दोस्तों ये वेल्डिंग हो रही है। तो ऐसे जो है इसको ऐसे कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये गर्म है, और तो दोस्तों अपनी ये खड़ी FZ, आज हम इसको खोलने वाले हैं। ये अभी तक इसमें शायद कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी जो है FZ को खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम पेंडिंग पड़ा, और अभी ये सीट के बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो सीट बनने के बाद तो देखो दोस्तों जो वेल्डिंग कर रहा है उसकी आँख पर तो चश्मा नहीं, और जो वेल्डिंग देख रहा है उसकी आँखों पर चश्मा है। ये क्या सीन है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों कितनी सारी सीटें पड़ी हुई हैं, एक ये पड़ी हुई और ये पड़ी हुई। तो ये जो सीटें हैं ये हार्ले की हैं, हार्ले डेविडसन की सीटें हैं। A few moments later, तो फिलहाल दोस्तों जितनी भी सीट थी वो सारी बनकर तैयार हो चुकी है, और उसको हमने भेज दिया है, और इस टाइम FZ को हमने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। अब इसके बॉडी पार्ट निकालेंगे हम जल्दी से, और जल्दी से निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद मोटिवेशन की तैयारी करने वाले हैं इस बाइक के लिए। ये देखो ये बाइक निकाल के खड़ी कर दिया FZ, तो इसके पार्ट खोल लेते अब जल्दी से, है ना? है भाई खोल दे पार्ट, जल्दी खोलें, अभी खोलने हैं बाद में, अभी चलो तो अभी खोलते हैं। दादो लाल दोस्तों बाइक की सीट हटा दी है, अब जल्दी से टूल किट मंगा लेते हैं। टूल किट लिया भाई। तभी दोस्तों इसके कान खोले जा रहे हैं, जो पीछे वाला बैठ के पकड़ता है ये कान खोल देते हैं जल्दी से। पेचोल बचा हुआ इसको खोलो। तो दोस्तों इसके पेज तो खोल दिए, पर ये बहुत मुश्किल से निकलता, अभी देखना कितना टाइम लगेगा इसमें। खींचो खींचो, ये तो इसकी ये नई टेक्नोलॉजी है। और देख नहीं रहे हो कैसे खुला है? ये देख रहे हो दोस्तों ये कैसे खुला है? पहले इसके पेज खोलेगा, अभी ये खोले जाएंगे अंदर से, और फिर उसके बाद ये निकलेगा। देखा डाल दोगे सब कुछ के पेज पेज वगैरह अरे ये सब ना एक
तो ये पीछे से खुल गए हैं। अब इनका ये वाला पेच और खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा बाहर। तो देखो दोस्तों, ये साइड का पैनल सब जो है ये बाहर निकल गया है, और इसी के साथ इसका कान भी बाहर निकल गया। अब इसको अलग करेंगे हम, ये वाला पेच खोल के जल्दी से। ये कान वान सब अलग हो गए अब इसके, और इसका साइड से एक तरफ से इसका हमने सब कुछ हटा दिया। अब बारी है इधर की तरफ की, पेच फिलहाल बाहर नहीं निकल रहा है। इसके शायद नीचे भी एक और पेच है, ये देखो। हाँ, ये बाहर निकल गए सब कुछ, साइडों के पूरे पार्ट खोल दिए देखो यामा। और ये अभी ये पीछे से ऐसी लग रही है कुछ। अब क्या खोलेंगे इसका, टंकी। तो दोस्तों मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले इसमें टंकी खोली जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है कवर, तो नीचे भी खोला जा रहा है साथ ही से। इंजन की टेल है ये निकाल दी गई है बाहर, और इसके भी सारे नट बोल्ट खोल दिए गए टंकी के। देखो इसका साइड का हिस्सा कैसे अलग निकल गया। ये देखो अंदर से लोहे की, और इसके ऊपर बाहर प्लास्टिक लगाई हुई है पूरी। बैटरी निकाल लो, चलो बैटरी भी निकाल दो। ये देखो दोस्तों पूरी टंकी निकाल दी गई। ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, अभी बैटरी निकलेगी एक साइड की। तो दोस्तों बैटरी भी निकाल दी गई, और बैटरी ऐसे में हम नई लगाएंगे इसमें। तो निकल गया आखिरकार। फिर नंबर प्लेट खोलने के बाद इसको साइडों का कवर निकाल देंगे जल्दी। पूरा एक महीना हो गया इसे आए हुए, तो देख लो दोस्तों पूरा एक महीना हो गया गाड़ी को आए हुए। अब इसको पूरे कवर वबर सब कुछ दोस्तों जल्दी से, अब इस बाइक की हेडलाइट और बैकलाइट और इंडिकेटर ये सब कुछ हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसमें लगेंगे हायाबुसा की ओरिजिनल हेडलाइट लगेगी, बैकलाइट, इंडिकेटर सब कुछ जो है इसमें हायाबुसा का लगाया जाएगा। तो इसलिए हमें ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। टायर भी निकलेंगे इसके, टायर भी हायाबुसा के लगेंगे। 190 mm का लगेगा पिछला टायर, और अगला 120 या 30 जो mm का टायर लगता है वो लगेगा। तो टंकी ऊपर कर दिए, इसमें लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या करना है। ये क्या है, अच्छा पेट्रोल दिखाने वाला तार है। ओ तो दोस्तों ये देखो टंकी भी इसकी अलग कर दी गई है। तो ये देखो दोस्तों FZ की जो टंकी वो हमने निकाल के साइड में रख दिया, और इसमें हायाबुसा के लिए नई टंकी बनाई जाएगी। नया टैंक इसमें लगेगा, और उसके ऊपर हायाबुसा की बॉडी लग जाएगी, क्योंकि ये टंकी भी थोड़ी छोटी है, और वो टंकी इससे थोड़ी हैवी बनेगी यहाँ पर लगने के लिए। ये देखो ये छोटी सी टंकी, इसलिए हमने निकाल दी। इसको बड़े साइज़ में बनाया जाएगा, और उसके ऊपर हायाबुसा की बॉडी लग के यहाँ पर ये टैंक लग जाएगा। ये देखो समीर लगा पड़ा फुल हेडलाइट खोलने में। है भाई हंसी आ रही है चलो। तो देखो दोस्तों हेडलाइट भी निकाल दी गई बाइक की। बाइक में हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, इसे पूरी खोल देंगे, क्योंकि इस बाइक में जो है इंजन के अलावा कुछ नहीं छोड़ना। इंजन के अलावा इसमें हर चीज़ नई लगाई जाएगी। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है खोलने में दोस्तों, तो आगे का जाल जो है निकल नहीं रहा है, इसलिए इसको काट के निकाला जा रहा है। इसके हम सारे सॉकेट का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इससे हमें बाद में पता चल जाता है कि हायाबुसा बनाने के बाद कि इसमें कौन सा तार कहाँ फिट करना है। इसलिए जितने भी ऐसे सॉकेट हैं आगे भी हैं और यहाँ पर भी हैं पीछे, ये सारे सॉकेट ध्यान रखने पड़ेंगे। दोस्तों मैंने जो लास्ट वीडियो करी थी वो मैंने बाइक की सीट दिखाई थी उसमें, और मैंने अभी दिखाया था अपनी बाइक में मैंने सीट लगवा ली। तो उसे देखते हैं कि कैसी लग रही है बाइक में सीट लगते हुए। तो जल्दी से बाइक बाहर की तरफ चलते हैं, दोनों आने चाहिए। फ्रंट कर दूँ, अब हो जा कर दिया। तो दोस्तों ये जो नई सीट लगी एकदम कंफर्टेबल है, ऐसे बैठ के चलाने में मजा आ रहा है। सीट दिखा दिख जाएगी, सीट नहीं दिखने की देख लो आप। तो देखो दोस्तों हम तुम्हें अभी जाके दिखाते हैं सीटें कैसी होंगी। तो ये देखो दोस्तों कितनी कंफर्टेबल सीटें हैं, ये भाई हार्ले डेविडसन की सीटें हैं, ये देख सकते हो आप, मतलब कितनी कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल बिल्कुल। और तो दोस्तों जो सीट है अगर
आपको भी लगवानी है तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो अगर दोस्तों किसी को सीट लगवानी है तो ऊपर आई बटन आ गया होगा, यहाँ पर जाके वीडियो देख लेना, मैंने पूरी वीडियो घेर रखी है बनाकर, यहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी कौन सी सीट कितने में मिल जाएगी। और हार्ले डेविडसन के लुक में ये इलेक्ट्रा की सीट बनाई गई थी तो मैंने अपने बाइक में लगवा लिया। धीरे धीरे मैं इसका छोटा वाला हैंडल लगवा दूंगा अपनी बाइक में, हार्ले डेविडसन वाला छोटा हैंडल, और धीरे धीरे करके इसको मैं चेंज करवा दूंगा, छोटी सी बाइक कर दूंगा, बिल्कुल बुलेट छोटी सी अच्छी लगती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि बाइक में कहाँ तक काम हो गया, इसमें कहाँ तक खुल गई है बाइक। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर कोई चैनल पर नए बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।